जय हिंद दोस्तों, रश्मि के किचन में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मिल्क पाउडर से गुलाब जाम की रेसिपी। वो भी चार अलग तरह से गुलाब जाम बनाना मैं इसमें आपको दिखाऊंगी। तो ज़रूर रक्षाबंधन के दिन ये गुलाब जाम बनाएं और अपने भाई को खुश करें। तो चलिए देखते हैं। गुलाब जाम बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 कप मिल्क पाउडर ली है। मेजरमेंट कप है इसमें 200 ग्राम ये मिल्क पाउडर ली है। 2 चम्मच मैदा है, 3 चम्मच बारीक सूजी है और ये बेकिंग पाउडर है जो हम 2 टीस्पून यूज़ करेंगे और ये थोड़ा सा गर्म दूध है जिसे हम आवश्यकता अनुसार इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक मिक्सिंग बाउल में मैंने ये मिल्क पाउडर डाल दी। अब इसी में हमें ये 2 चम्मच मैदा डालना है, ये 3 चम्मच सूजी भी इसी में डाल दें। और ये देखिए ये 2 टीस्पून हमें डालने हैं जो छोटे चम्मच होते हैं, तो मैं ये 1 चम्मच डाल दिया और ये 2 चम्मच डाल दिए। तो इस हिसाब से आपको डालना है, इसे ज़्यादा ना डालें। बिल्कुल चाय की जो चम्मच होती है उससे माप कर ये डालें। तो चलिए यहाँ पर थोड़ा थोड़ा दूध डालकर हमें इसका अच्छे से आटा बनाना है। इस तरह से दूध डालकर इसे अच्छे से मिक्स करें। अगर आपको लगता है कि ये ज़्यादा पतला है तो आप 1 से 2 चम्मच मैदा इसमें और मिला सकते हैं। देखिए अब हमें इस आटे को 10 मिनट के लिए रख देना है। ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं। अब हमें हाथों पर थोड़ा सा घी लगाकर इसके गोले बनाने हैं। ये देखिए इस आटे को मैंने अच्छे से मिला लिया है। मिल्क पाउडर में जो चीनी होती है उस पर जैसे ये थोड़ा सा चिपचिपा रहेगा। ये देखिए इस तरह से हाथ में घी लगाकर आपके मनपसंद आकार के गोले बना लें। अब इनको हमें घी में या फिर तेल में फ्राई कर लेना है। मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया है और ये चाशनी मैंने बना कर रखी है जिसमें मैंने 1.5 कप पानी और 1.5 कप चीनी डालकर अच्छे से 10 मिनट तक उबाल कर लिया है। इसी तरह की चाशनी हमें चाहिए। ये देखिए यहाँ पर तेल भी गर्म हो चुका है। अब इसमें मैंने ये गुलाब जाम डाल दिए। अब इसे अच्छे से धीरे धीरे इस तरह से तेल उड़ाकर फ्राई कर लें। गैस को बिल्कुल मध्यम आंच पर रखें क्योंकि ये बहुत जल्दी ऊपर से लाल होना शुरू हो जाते हैं, फिर अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इसलिए गैस को आप बिल्कुल धीमी आंच पर या मध्यम आंच पर रखकर इस तरह से फ्राई करें। 2 से 3 मिनट तक तो आपको इस तरह से अच्छे से इसे फ्राई करना है। शुरू में गैस को मध्यम आंच पर रखें और बाद में आप इसे धीमा करके इसे इस तरह से फ्राई कर लें। इसे अच्छे से लाल रंग होने तक हमें फ्राई करना है। ये देखिए ये बिल्कुल तैयार है। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं और गरम गुलाब जाम को ही हमें चाशनी में डालना है। ये देखिए ये चाशनी भी अच्छे से गरम है। आप चाहे तो चाशनी में गुलाब जल या फिर इलायची भी डाल सकते हैं। मैंने चाशनी में अभी कुछ भी नहीं डाला है क्योंकि मुझे 4 तरीके से गुलाब जाम बनाकर दिखाने हैं। देखिए यहाँ पर मैंने चाशनी में गुलाब जाम डाल दिए है। ये चाशनी गर्म है। ये देखिए ये कुछ पिस्ता है जिसे मैंने कद्दूकस करके लिया है। बाकी के आटे से हम इस तरह से गुलाब जाम बनाएंगे जिसमें ये पिस्ता में स्टफ़ करूंगी। पिस्ता को मैंने थोड़ा सा कद्दूकस करके लिया है। अब इस तरह से गुलाब जाम के आटे के अंदर इसे भर कर इसके इस तरह से बॉल बना दे। इस तरह से भी आप गुलाब जाम बना सकते हैं। ये देखिए बहुत अच्छे से इसमें पिस्ते की स्टफिंग कर दे। आप चाहे तो इसमें बादाम भी भर सकते हैं, इलायची भी अंदर स्टफ़ कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से मैं गुलाब जाम ये बना लूँगी और अब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे और इन्हें भी चाशनी में डाल देंगे। ये देखिए इस तरह से धीरे धीरे गुलाब जाम गरम तेल में डालें और इन्हें अच्छे से लाल होने तक फ्राई कर लें। ये देखिए ये भी गुलाब जाम बनकर रेडी है।
अब इन्हें भी हमें चाशनी में डालना है। अब देखिए बाकी के थोड़े आटे से मैंने इस तरह से रोल करके गुलाब जाम को शेप दिया है। इस तरह से जो सूखे बिना चाशनी के जिसके ऊपर शक्कर लगी होती है उस तरह से हम गुलाब जाम बनाएंगे। ये देखिए ये गुलाब जाम भी इस तरह से फ्राई कर ले और इन्हें भी पहले चाशनी में डाल दे। सारे गुलाब जाम को चाशनी में डालकर मैंने 5 घंटे के लिए रख दिया था। पिस्ता वाले गुलाब जाम पता चले इसलिए मैंने उनके ऊपर टूथपिक लगा कर ली थी। तो हम कुछ चॉकलेट वाले गुलाब जाम बनाएंगे। ये थोड़े से बटर पेपर है जिसमें कपकेक बनाते हैं और ये चॉकलेट है डार्क चॉकलेट जिसे मैंने अब इस तरह से मेल्ट करके लिया है। चाशनी में भिगोए हुए गुलाब जाम को चॉकलेट के अंदर डिप करें इस तरह से और फिर इस तरह से निकाल कर इसे इस बटर पेपर पर रख दें। ये देखिए इस तरह से ये चॉकलेट वाले गुलाब जाम भी आप बना सकते हैं। बिल्कुल अंदर पता भी नहीं चलेगा कि इसके अंदर गुलाब जाम है। ये सरप्राइज़ गुलाब जाम भी आप इस तरह से बना सकते हैं। इस तरह से आपको जितने चाहिए उतने गुलाब जाम चॉकलेट वाले भी आप बना लें। ये नॉर्मल गुलाब जाम है जो चाशनी में मैंने शुरू में डाले थे। ये देखिए अब इसे फ्रिज में रख दे थोड़ी देर सेट होने के लिए ताकि ये चॉकलेट अच्छे से कड़क बन जाए। अब ये जो रोल किए हुए गुलाब जाम है इसके ऊपर ये बड़ी वाली जो चीनी होती है नॉर्मल वाली वो इस तरह से डाल दे। तो तैयार है ये सूखे गुलाब जामुन। और ये देखिए ये पिस्ता वाले गुलाब जाम उसके ऊपर भी थोड़ा सा पिस्ता काट कर डाल दे। एक मैं यहाँ पर आपको तोड़कर दिखाती हूँ। आप देखिए अंदर तक बिल्कुल अच्छे से चाशनी भी गई है और दिखने में भी देख सकते हैं आप ये कितने सुंदर लग रहे हैं और ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं। और ये जो नॉर्मल वाले गुलाब जाम है जो रेगुलर हम खाते हैं चाशनी में डाले हुए तो इसके ऊपर अब मैं इलायची पाउडर डाल रही हूँ और थोड़ा सा केसर डाल दें। पाउडर से बने ये गुलाब जाम बहुत ही टेस्टी बनते हैं। ये देखिए इस तरह से ये 3 तरीके के गुलाब जाम तैयार है और चौथा है हमारा सरप्राइज़ गुलाब जाम चॉकलेट वाले। तो देखिए इस तरह से इस रक्षाबंधन गुलाब जाम बनाइए और अपने भाई को और अपने घर वालों को खुश कर दीजिए। तो ज़रूर बनाकर देखिए इस तरह से गुलाब जाम और मुझे ज़रूर बताएं कैसे बने थे। और मेरी रेसिपीज़ को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे ऐसी नई रेसिपी के साथ। जय हिंद।